अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं फौसल शरीफ डीजी खान का रिहायशी हूँ। तो मैंने अल्ताफ़ अहमद साहब से, जो स्पीडस्टर प्रो, ये स्पीडस्टर इनका ब्रांड है, वॉलिंग मशीन वगैरह बनाते हैं, उनसे मैंने किट मंगवाई थी, किट ऑर्डर की थी। तो मैं एक चीज़ का ना जेन्युइन रिव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे पहले मशीन भी ली है, वो आपको सामने नज़र आ रही होगी, और तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था। तो बाद में मुझे किट की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने लिया। तो पहली बात तो ये, मैं हेलमेट डिस्कस करता चलूँ, ये मीम रे कोई ब्रांड है, उसका ये हेलमेट है, इसमें मुझे थोड़ी चीज़ें ऑफ लगी हैं, क्योंकि ये अल्ताफ़ साहब का अपना ब्रांड नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट, सेफ्टी भी है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ऊपर का, वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी आप बहुत अच्छा है, फिटिंग भी इसकी अच्छी है और बहुत आला है ये चीज़। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ, सेम ब्रांड का मीमरे का ही बैट है, जो मैंने इनसे परचेज़ किया है। और इस बैट का मैं रिव्यू कोई 5-6 मैचेस के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं, 5 मैचेस तो खेल लिए हैं, नॉकिंग भी की थी उसके ऊपर। इसकी पहले नॉकिंग की है मैंने, कोई 3-4 घंटे नॉकिंग की है कंटिन्यूसली। तो इसका पिंग बहुत अच्छा है, जो असल में मेन चीज़ है। मेरे पास और भी ब्रांड था एमबी का, पता नहीं वो ओरिजिनल था या नहीं, क्योंकि तो मैंने बहुत पहले लिया था, कोई 5-6 साल पहले, तो उसका मुझे नहीं पता। बट इसकी जो पिंग है ना, वो बहुत ही आला है, जो मुझे बिल्कुल पसंद आई है। तो थोड़ा सा हैवी वेट है और ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं लगता ये कोई अगले वाले कोई 4-5 साल कहीं जाएगा, अगर इसको प्यार से और एहतियात से खेला जाए तो। उसके बाद मैं ग्लव्स ये डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो ग्लव्स हैं, ये भी सेम ब्रांड मीमरे के ही हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी एक ऑफ चीज़ लगी है, जो उंगलियाँ थक जाती हैं मेरी, और स्पेशली मेरे लिए है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। बट मुझे एक चीज़ ऑफ लगी है कि इसमें एक एक्स्ट्रा कट होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे है, ताकि ये उंगलियों को बेंड करने में थकावट थोड़ी कम हो, उंगलियाँ मेरी थक जाती हैं इसमें। तो बाकी सेफ्टी वाइज बहुत आला है, सेफ्टी में इसका कोई वो नहीं है, मतलब कंप्रोमाइज सेफ्टी पे नहीं किया गया। मे बी ये चीज़ है कि सेफ्टी के लिए इसमें कट ना लगाए गए हों। बाकी ओवरऑल अच्छे हैं, ग्रिप बहुत बढ़िया होती है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। इससे इम्प्रूव्ड वर्जन मैंने अभी यूज़ किए नहीं है, जब करूँगा इंशाल्लाह तो उन चीज़ों का भी रिव्यू आपको भिजवाऊंगा डेफिनेटली। और इसके बाद ये पैड्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फेल नहीं होती अगर आपको बॉल हिट करता है तो। थाई पैड्स हैं और इस पर बिल्कुल ही फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। और स्पेशली मज़े की बात है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान इस क्वालिटी की चीज़ें बन रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड सेम विद पैड्स, पैड भी बहुत बढ़िया हैं, डबल प्रोटेक्शन में है, एक ये उसके अंदर और लगी हुई है, तो ये भी कमाल है। फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत पसंद है और मैं कंफर्टेबल होके खेलता हूँ। इवन मशीन की बॉल जो आती है बहुत तेज़ आती है, उसके ऊपर भी ये बिल्कुल फील नहीं आती कि आपको कोई चीज़ लगी है, मतलब फील उस तरह से तो आती है कि इम्पैक्ट हुआ है, बट एक होता है ना कि चीज़ का लगना, बॉल का लगना आपको जो पेन होता है, वो बिल्कुल नहीं होता। सेम ये पैड्स हैं और उसके बाद दैट्स इट, इतना ही था सामान जो मैंने मंगवाया है। ये बैग की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, जो मैं एक्सपेक्टेशंस, खैर थी नहीं मेरी इतनी बैग से, क्योंकि मैंने जो मेन अल्ताफ भाई को बोला था कि चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। और ये है एमबी का मेरा पुराना बैट है, तो इसका क्या रिव्यू देना, ये बहुत पुराना है अब तो, ये खैर लाइट वेट हो गया, पहले ये भी हैवी था। तो इसके बाद मैं आपको मशीन का रिव्यू देता चलूँ। ये मशीन मैंने आज से कोई 2 साल पहले इनसे ली थी, आई थिंक ये स्पीडस्टर प्रो है। तो विद इन फर्स्ट मंथ, वेरी फर्स्ट मंथ मुझे इस मोटर का इशू आया था, बट ये वारंटी में थी तो रिप्लेस हुई है। उसके बाद कोई इशू नहीं आया इस मोटर के साथ, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था या क्या सीन था, उसकी वजह से पहले दिन से ही वो हीट अप हो रही थी। तो उसके बाद ये है कि ये मशीन बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसको
तकरीबन 2 साल से कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई चीज़ भी ऑफ नहीं लगी। मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ और ये थोड़ी सी एक मेरी जगह है, इंडोर सेटअप बनाया हुआ मैंने, और ये नेट भी मैंने बनवाया नहीं था, सॉरी, इनसे मंगवाया था, और ये कॉटन नेट है मुझे लगता है। जी ये कॉटन नेट ही है, और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपने इंडोर खेलना है तो ये नेट बहुत अच्छा है कॉटन। मैं इस पे इस मशीन से सेटिस्फाइड हूँ, हालांकि ये 2 साल पहले की मशीन है। उसके बाद सर अल्ताफ ने इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की है, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की थी कि अब इस मशीन के इम्प्रूव्ड वर्जन आ गए जिनमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स हैं क्वालिटी वाइज, तो आप वो ट्राई करना चाहें तो मुझे खैर अभी ज़रूरत थी नहीं, तो मेरी ये मशीन बहुत बढ़िया चल रही है, तो अभी तक मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। स्पेशली ये स्पीडस्टर की अल्ताफ़ भाई ने ख़ुद ही इसको बनाया, ओरिजिनल जो फर्स्ट चीज़ें थी स्पीडस्टर की, ये उनमें से एक है, और अभी तक माशाल्लाह सेम है, वैसे की वैसी ही चल रही है। बस इतना सा रिव्यू था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।